वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मदर लॉ की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको मोशंस लग गए थे, तो मैं बना रही हूँ उनके लिए खिचड़ी। यस, और यहाँ पर जो हस्बैंड लेके आए फ्रूट्स, ये हैं जी एप्पल्स एंड बनानास और पोमीग्रेनेट मतलब अनार। तो चलो फिर अब मैं स्टार्ट करूँ और मैं चाट भी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और अभी मैं इसको भिगा देती हूँ एंड देन बनाते हैं खिचड़ी। सो वेलकम बैक गाइज। तो गाइज, यहाँ मैंने ये भिगा दी है और अब मैं बनाने जा रही हूँ सबसे पहले चाट। ये है अनार, एप्पल एंड बनाना। तो ये मैं दो कट कर लूँगी अभी, बाकी मैं रख देती हूँ इसको फ्रिज के अंदर। और एक अनार निकाल लेती हूँ एंड बनाना ले लेती हूँ। चलो गाइज, बना कर फिर मिलती हूँ। ये कल गुआवा भी लाए थे और मैंगोस, तो मैंगो भी मैं इसमें डालूंगी, साथ ही मैं ले लेती हूँ गुआवा, दो गुआवा ले लेते हैं और एक मैंगो ले। तो बस अब मैं ये फ्रूट प्लेट जो है ये कट कर लूँगी। इसमें है सेब, केला एंड अनार और सफरी और साथ है मैंगो। तो इसकी मैं बनाऊँगी चाट और चाट बना के फिर आपको दिखाती हूँ। वेल गाइज, मैं बना रही हूँ चाय हम लोगों के लिए और मैं अभी पहले इसकी मलाई निकालूंगी उसके बाद। गाइज, किस किस को है मलाई पसंद? मुझे तो ब्रेड टोस्ट पे लगा के इसको खाओ और रस्क पे बड़ा मज़ा आता है। सो इधर बन रही है हमारी टी, ये आ गया, बस ये बॉयल हो रही है, थोड़ी देर में हम इसको करेंगे इंजॉय। और बस चाय पीने के बाद फिर मैं सबसे पहले बनाऊँगी फ्रूट चाट एंड देन मदर लॉ के लिए खिचड़ी और उसके बाद अपने हमारे लिए मेरे हस्बैंड के लिए बनाऊँगी मसाला राइस एंड दैट्स इट। और मैं रात के डिनर के लिए आज जल्दी शायद बना लूँ, क्योंकि हो सकता है मैं घर जाऊँ, क्योंकि सिस्टर आई हुई है दिल्ली से, तो मैं बनाऊँगी क्रिस्पी भिंडी। तो यस, देखो देखो बड़ा नहीं बड़ा, कितना बहुत दर्द हो रहा है, मतलब बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है नील पड़ चुका है यार। डॉक्टर चलो। तो गाइज, अभी मैं लगा रही हूँ टोस्ट पर मलाई। गाइज, मैं बना रही हूँ खिचड़ी और मैं डालूंगी इसके अंदर जीरा। नाश्ता हो चुका है हम लोगों का, थोड़ा सा और डाल देते हैं। और बस ये 1 टेबल स्पून ऑयल है, इसके अंदर जीरा डाला है एंड देन इसके अंदर जाएगी ये भीगी हुई खिचड़ी और बस सॉल्व जाएगा एंड दैट्स इट। यहाँ मैंने ना ऑयल में 1 टेबल स्पून ऑयल लिया था, उसमें ज़ीरा ऐड किया एंड देन इसके अंदर मैंने भीगे हुए दाल एंड राइस डाल दिए हैं। और इसके अंदर पानी की थोड़ी सी क्वांटिटी मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि इसको बनाना है थोड़ा मुझे गला हुआ, क्योंकि मोशन में गला हुआ ही अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा खड़ा राइस नहीं ले सकते, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो यह मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी लिड एंड देन ये पकने के लिए छोड़ दूँगी। पहले इसमें एक थोड़ा सा ना बॉयल ले लूँगी, दैट्स इट। गाइज, यहाँ पे मैंने कट कर लिया है गुआवा, एप्पल एंड बनाना और अनार। और अब मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड करूँगी, शुगर ऐड करूँगी एंड नींबू का रस। बहुत डिलीशियस बनती है चाट और बहुत इजी एंड क्विक है ये, तो बहुत सभी को पता है, बट आज हम लोग का मन कर रहा था तो मैंने बनाई है। तो चलो इसमें ऐड करते हैं मसाले। तो गाइज, इट्स डन, अब मैं इसको फ्रिज में डालने जा रही हूँ एंड हम इसको निकालेंगे लंच के बाद। गाइज, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना जो अनार है वो और डाला, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा अनार खाने का मन हो रहा था। तो यस, अब मैं रखने जा रही हूँ इसको फ्रिज के। तो गाइज, यहाँ पे ना खिचड़ी रेडी हो गई है माशाल्लाह से और अब मैं ये सर्व कर दूँगी मदर लॉ को, क्योंकि उनको मोशन लगे हुए हैं। और मैं यहाँ मैं बना रही हूँ मसाला राइस और इसमें ऐड कर दूँगी मैं ये सब। तो गाइज, यहाँ पे इसका जो है मसाला वो भुन रहा है। गाइज, अभी सब मसाला रेडी हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे राइस। राइस, चलो चलो गाइज, मिक्स करके आपसे फिर मिलती हूँ। पर मैंने ना वाटर ऐड कर दिया है और अब मैं इसको लगा दूँगी लिड एंड अब इसको मैं 20 मिनट्स के लिए, पहले इस पर थोड़ा सा बॉईल आएगा एंड देन फ्लेम को कर दूँगी मैं लो, अभी हाई, अभी मीडियम पर है एंड देन इसको हम 20 मिनट्स के बाद खोलेंगे। सो गाइज, अल्हम्दुलिल्लाह से सब डन हो गया, इधर बनकर रेडी हो गई खिचड़ी और इधर बन रहे हैं हमारे मसाला राइस। ठीक है,
एंड मैंने पूरा किचन कर लिया है क्लीन, क्योंकि कुकिंग वाइल्ड क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कुकिंग के साथ साथ क्लीनिंग करना भी एंड किचन को क्लीन रखना भी, क्योंकि उससे मोटिवेशन भी आती है और काम करने में मज़ा भी आता है। तो या एंड यूटेंसिल्स भी ऑल वॉश्ड, अब बस लंच के रहेंगे एंड दैट्स इट। अब हम थोड़ी देर में करेंगे लंच, क्योंकि अभी इस पर 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। तो या एवरीवन, चलो चलते हैं बाहर, थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट लेते हैं। गाइस ये हो चुका है माशाल्लाह से रेडी, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। चलो अब इसको हम करते हैं डिश आउट और लंच के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस चलो करते हैं डिश आउट। बस हो गया कि हैं प्लेट्स, और अब इस पर हम डालेंगे कर्ड और करेंगे इसको एंजॉय। सो चलो लंच के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हो चुका है और अब हम कर रहे हैं फ्रूट्स एंजॉय, तो ये मैं हस्बैंड को दूंगी और मैं थोड़ा सा खाऊंगी बस। तो गाइज अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, लंच हो चुका है और हम जा रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट करने, फिर असर हो जाएगी, देन असर में हम उठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे एंड दैट्स इट। हस्बैंड ऐसे होते हैं जो वीडियोज़ को ख़राब करते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और गाइज आज मेरे चोट भी लगी है, तो पूरी कहानी आपको मिलेगी थोड़ी देर के बाद। तो इंतज़ार करने की, चोट कैसे लगी और कहाँ लगी। बाय। ओके गाइज वेलकम बैक अगेन, और सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है मॉर्निंग से, बट मैं आप लोगों से नहीं मिली, सो फाइनली आई एम हियर नाउ। एंड अभी जो है मैं जा रही हूँ मम्मी की तरफ, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को बताया था सिस्टर आई हुई दिल्ली से, तो मम ने अभी इनवाइट किया हम लोगों को, तो मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं अब निकल रहे हैं घर के लिए। तो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ व्लॉग्स भी शेयर कर लेती हूँ। तो या और मेरे जो है बहुत खतरनाक चोट लगी है पैर में, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है इससे पहले वाली क्लिप में, बट इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है वो, बट तकलीफ बहुत है क्योंकि मैं एक्चुअली स्लिप हो गई बेडरूम में। तो या बट अभी जो है ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है, लाइक मुझे हार्म नहीं हुआ है, मैं बैठ जाऊँ पहले कहीं। सो या एवरीवन अब मैं जो रेडी हो चुकी हूँ, बस अब निकलेंगे, मगरिब का टाइम होने वाला है, नमाज मैं घर ही पढ़ूंगी और बाकी जो भी अपडेट रहेगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस दुआ करना कि मेरा पैर ठीक हो रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, मेरे एक नेल में भी चोट आई है लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में, थोड़ा सा नस के ऊपर यू नो ब्लड जो है वो इकट्ठा हो गया, मतलब क्लॉट सा बन गया है, तो उसमें बहुत तकलीफ़ है। तो यस प्रे फॉर माई पैर, और बाकी जो अपडेट रहेगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो निकलते हैं घर के लिए। भैया उठ जाओ, एसी में छोला है, ठंडे ठंडे हो रहे हैं भैया, अरे इतनी गर्मी में ब्लैंकेट डाल रखी है, देखो देखो, अरे उठो ना अरसल, अरसल उठो, आई आई इसको हटाओ भैया, ये कौन है, ये कौन है ये कौन है ये कौन है, इधर देख ले बेटू, अरे बेटू देख ले मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा देख लेना बेबी। तो गाइज मैं मम्मी के घर आ गई हूँ और अरसल के साथ अब करेंगे हम मस्ती। अरसल उठो, उठ जाओ अरसल। चलो गाइज मैं नमाज पढ़ के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ए कौन लेकर आया है ये, जैपी लेके आई है, दिखाओ। वाओ ये सो क्यूट, ये तो मेरे अरसल की तरह क्यूटू क्यूटू है भैया। अरे भैया आपको पसंद आया, क्या कर रहे हो? अच्छा जी ओके, उज़ाफ़र टू इन वन है क्या जी? अरे वाह गाइज इधर से भी देख सकते हैं आप, इधर से भी देख सकते हैं, पर इसके अंदर का मसाला कहाँ है इसको सही तो करो भैया। अभी मैं पढ़ रही हूँ नमाज और बस थोड़ी देर में हम लोग करेंगे डिनर, और घर में जो है अभी पेंट चल रहा है, और मेरी जो सिस्टर आई हुई है ना उज़ैफा, वो मेरे साथ इतना प्रैंक कर रही है गाइज, मैं आपको घर जाकर बताऊँगी क्योंकि वो मुझे अलाउ नहीं कर रही है यहाँ बता रही, और मैं आपको दिखाऊँ गाइज वो कैसी लग रही है डोंट वरी आजा। तो गाइज चलो नमाज के बाद आपको मिलती हूँ। तो गाइज मैं अरसल को बोल रही हूँ मेरा शूट कर लो, लेकिन ये लड़का मेरा शूट नहीं कर रहा है, पहले अपना
गाइज अरसल अभी फ्रेश होकर आया है एंड नाउ ही इज गोइंग टू समझ जाइए अब ये मेरा शूट करेगा गाइज। अरे भैया अकेले अकेले कहाँ कर रहे हो तुम, कलर देख रहे हो, पेंट देख रहे हो, पेंट कैसा हुआ है? अच्छा आपको कैसा लगता है यहाँ आकर? अच्छा। आप क्या कर रहे हो, आपने अपना स्टडी कर लिया, ट्यूशन पढ़ लिया आपने? नो नो अरसल मैंने इसको बहुत अच्छे से लगाया, अभी जीजू आ रहे हैं बहुत मारेंगे पकड़ के। गाइस अरसल जो है मेरा क्यूटू है, आई लव अरसल, आई लव अरसल। अरसल कहेगा बस बस आप ही बस बस करो बस करो, उधर नहीं जाओ, स्पेस नहीं है बेटा, बाहर आ जाओ, यहाँ फैन भी ऑन नहीं है, बाहर आ जाओ इसी में कम। चलो गाइस हम लोग कर रहे हैं डिनर और ये है फ्राइड चिकन गाइस, बड़ा डिलीशियस बना है जो कि मम्मी ने बनाया है। ये है चटनी एंड कोल्ड ड्रिंक। व्हेन टू स्टार्ट? मीनू के पास है, लेट्स स्टार्ट। ये वाला ये नहीं चीज जुड़े ना, नो स्पेल दिस वन। He knows that I'm taking a video of him. Sabi. That's why he's not. He's very sincere. Very chala bro. Very chala bro. Shifa Mehman. No, no, no. Yes, I know. Very chala bro. Bro, क्या कर रहे हो? ऐसे बोलती है ना? अल चल।